नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि हर घर में बनती है, और जैसे उन्हें हम सिग्नेचर डिश भी कह सकते हैं या फिर आप उन्हें रेगुलर रेसिपीज भी कह सकते हैं। उन्हीं में से एक रेसिपी आती है ब्रेड रोल्स की, और हमारे घर में बहुत रैंडमली बनते थे, और अब हम बड़े हुए हैं तो अब भी हम लोगों को ब्रेड रोल्स उतने ही पसंद हैं जितने जब हम छोटे थे तब हुआ करते थे, और साथ में हमारे बच्चों को भी उतने ही पसंद हैं। लेकिन हर घर की रसोई की अपनी अपनी एक पहचान होती है, तो मैं यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी। अगर आपको होली वाले दिन अपने स्नैक आइटम में बनाने हैं, पहले से बना के रख लीजिए, और जब आपके गेस्ट आते हैं या फिर आप होली खेल रहे हैं तो आप उस वक्त पर सिर्फ इन्हें फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए हैं मटर, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था। दोनों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है धनिया, धनिया आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें बड़ा चम्मच यहाँ पे डाला है मेयोनीज, ये मैंने फ्लेवर वाली मेयोनीज ली है, मेरे पास बर्गर वाली मेयोनीज रखी थी तो मैंने वो यूज़ करी है। आपके घर में जो भी मेयोनीज है, अगर प्लेन मेयोनीज है तो वो भी आप टमाटो केचप के साथ ऐड करके यहाँ पे मिला सकते हैं। इसके बाद मैंने शेजवान चटनी डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शेजवान चटनी को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच डाला था मायो में, और शेजवान चटनी में कम्प्लीट अच्छा खासा नमक होता है तो मैंने यहाँ पे नमक का यूज नहीं किया है। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्राउन ब्रेड, मैंने इन वाले ब्रेड रोल में से आलू बिल्कुल हटा दिए हैं, और डीप फ्राई तो ये होंगे ही। मुझको तो पर्सनली जो ब्रेड रोल्स होते हैं वो डीप फ्राई ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी रोस्ट कर सकते हैं, पर जो इसका फ्लेवर होता है वो इसको डीप फ्राई करके ही आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को थोड़ा सा पानी में सोक कर लिया था, और जब ये थोड़ा सा गीला हो गया है तो मैं यहाँ पे स्टफिंग भर रही हूँ, और इनको मैं ओवल शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इन्हें गोल सर्कल की भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें पैटी वाली शेप या जो टिक्की वाली शेप होती है वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल कर लिया है गरम, बहुत ज़्यादा तेज आपको ये ऑयल गरम नहीं करना है, मीडियम आपको ऑयल गरम करना है, और इसमें आप ये सारे ब्रेड रोल्स फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो ब्रेड रोल्स को शेप दे देकर आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आ रहे हैं तब आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप इन्हें एक बॉक्स में बंद कीजिए और फ्रिज में स्टोरेज कर दीजिए। तो हमारे यमी से गोल्डन ब्राउन ब्रेड रोल हो गए हैं बनकर तैयार, और इनका कितना अच्छा कलर आया है। और ये अच्छा कलर इसीलिए आता है जब हम इसकी जो फ्राइंग प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप इसे लो टू मीडियम गैस पर इसे फ्राई कर रहे हैं तो इक्वल कलर आता है, कहीं से भी अनइक्वल ये नहीं सिकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सिकते हैं। सर्व करते टाइम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दें तो हमारी किसी भी चीज़ में चार चांद लग जाते हैं। तो भुजिया मैंने साथ में स्प्रिंकल कर दी है, देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही अलग लग रहे हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर चीज़ सुंदर दिखती है तो उसका खाने का मन भी बहुत करता है। तो इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ के साथ हम आपसे मिलेंगे सुबह ठीक 11:30 बजे। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ और अपने नेबर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें प्यार देने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।